चाय कंप्लीट है। झारखंड का पारंपरिक खाना है। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग पे तो मैं इनके साथ नहीं जा सकी थी क्योंकि घरेलू काम में मैं बिजी थी। तो आज का ब्लॉग जो बनेगा, कोई स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ मैं आपके साथ, वो शेयर करूँगी। तो उस पर तो मैं ही दिखूँगी, ये तो ज़्यादा दिखेंगे नहीं क्योंकि वो मुझे ही बनाना है, बस इसी के लिए। आज हम लोग के यहाँ धोतू और ओल का सब्जी बनने वाला है और ये झारखंड में काफ़ी फेमस है और मुख्य रूप से झारखंड में ही बनाया जाने वाला व्यंजन है। तो आप लोग को दिखाएंगे आज इसके बारे में कि कैसा होता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम लोग कहीं ट्रेवल में नहीं गए हैं, हम लोग अपना घर कहीं दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारा बेटा वेद है और इसका इंट्रोडक्शन अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया था वीडियो में, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका इंट्रो बाकी रह गया था। आज मम्मा धुतू और ओल का सब्जी बना रही है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेद को स्कूल छोड़ने के बाद ये मार्केट चले गए शकुआ पत्ता लेने के लिए और ओल लेने के लिए। धुतू के लिए सखुआ पत्ता बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे यहाँ लोकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। देखिए इस तरह का कुछ पत्ता है, यही उपयोग में आएगा और इसी में हम लोग चावल और दाल भर के धुतू बनाने वाले हैं। शाम के अभी 5 बज गए हैं और टी टाइम हो गया है, तभी मैं सभी को चाय देने के लिए जा रही हूँ। मैं तो खुद पीती नहीं हूँ पर मेरे यहाँ सभी को चाय पसंद है, तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। फिर चाय देने के बाद मेरे इधर का काम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं धुतू का काम शुरू करूंगी और फिर आप लोग के साथ उसे शेयर करूंगी। धुतू तो मेरे मायके तरफ नहीं बनता था, मुझे पता भी नहीं था, पर मैं जब इधर आई तो मुझे पता चला और यहाँ पे सभी कोई बहुत पसंद से खाते और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो। धुतू बनाना मुझे तो नहीं आता था, मैं यहीं पे आके माँ के साथ सीखी हूँ और आज भी जब मैं बनाऊँगी तो माँ मेरा उसमें बहुत ही हेल्प करेगी, माँ के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। माँ का बनाया हुआ मुझे मतलब बहुत ही पसंद है और वो सिखाते भी हैं तो बहुत प्यार से और मतलब मैं फिर सीख भी जाती हूँ और उनका हाथ का बना हुआ ऐसे भी सब खाना बहुत ही अच्छा लगता है। चाय कंप्लीट है, चाय बन गया है, मैं सभी के लिए अब निकालती हूँ। बेस हाँ। देखो माँ है ना, माँ ये कैमरा मैन के लिए चाय है, मेरे एक फैमिली मेंबर से मिलाना बाकी रह गया था जो मैं इनसे मिला रही हूँ, मेरे भांजा हैं और मैं इनको भी चाय पीने के लिए बुलाने आई हूँ। यही ओल बाजार से लेके आए हैं, माँ इसका कटिंग कर रही है जो कि इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। अभी तेल डाला हुआ है, फिर मैं इसमें ओल फ्राई करूंगी। जब तक ये अभी लाल नहीं होगा तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूंगी। इसे अभी फ्राई होने में 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद मैं इसे ग्रेवी का तैयारी करूंगी। अभी फ्राई हो गया है, सब्जी के लिए मसाला तैयार करके रखी हूँ। इस सब्जी में गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ सरसों मसाला लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं इसे पीस के ओल में डालूंगी और फिर इसे फ्राई करूंगी। ओल लगभग मसाला के साथ फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ी देरी में पानी डालूंगी और ग्रेवी तैयार करूंगी इसका। सब्जी में उबाल आ चुका है और ये पूरा बनकर तैयार है, अभी मैं इसे उतार कर आगे धुतू का प्रोसेस शुरू करूंगी। धुतू के लिए मैंने उड़द दाल और उसना चावल भिंगाए हुए हैं और इसको अब थोड़ी देरी में मैं पीसूंगी।
दूध का चावल पिसा गया है और ये दाल है ये भी मैं पीस ली हूँ। अब दोनों को मसाला में मिलाकर तैयार करूँगी। ये जो दाल चावल पिसा हुआ है उसे ये जो सखुआ का पत्ता है इसमें भर कर इस बर्तन में मैं उबालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से धूतू लगभग बनकर तैयार है। अब इसे निकाल कर सब्जी चटनी और घी के साथ मैं सर्व करूंगी और सभी को इसको खिलाऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए और इंजॉय करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना तैयार है, धूतू बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये धूतू है और ये ओल का सब्जी है, ये बादाम का चटनी है और ये घी है। अभी हम लोग धूतू को एंजॉय करेंगे जो कि झारखंड का पारंपरिक खाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। अभी वेद भी खाना खा रहा है, दूतू खा रहा है, जिसको कि हम लोग कटिंग करके दिए हैं। इसको कटिंग करके खाना ज़्यादा पसंद है, तो अभी बताएगा वो कि उसको कैसा लग रहा है और क्या खा रहा है। क्या खा रहा है वेद? अच्छा, और कैसा टेस्ट है इसका? अच्छा कि बहुत अच्छा है? बहुत। चाय के साथ खा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, ये चाय के साथ खाता है, इसको वही पसंद है। अभी माँ और सुमन भी खाना खा रही है। आइए, ये लोग सब पूछते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो खाया नहीं है, अभी खाना स्टार्ट करेंगे, पर देख के ही पता चल रहा है कि बहुत टेस्टी बना होगा। तुमको पसंद है कि नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। माँ बताइए कुछ। बहुत अच्छा बना है, खस्ता है रोटी, ओल का सब्जी भी बहुत टेस्टी है, बादाम का चटनी भी टेस्टी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है तो दोस्तों, हम लोग अभी खाते पीते हैं और आज का ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।